हाल ही में बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट अफसाना खान को अपने गुस्सेल रवैये के चलते शो से बाहर का रास्ता देखना पड़ गया। तितलिया वर्गा सॉन्ग से पॉपुलर हुई अफसाना ने शो के दौरान चाकू हाथ में ले लिया था और वो खुद को चोटिल करने वाली थी। आपको बता दे कि इस बर्ताव के चलते मेकर्स ने अफसाना खान को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि बिग बॉस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी कंटेस्टेंट को उसके गुस्से की वजह से शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। इससे पहले भी कई कंटेस्टेंट अपने गुस्से की वजह से शो से बाहर हो चुके हैं। आइए डालते हैं एक नज़र। कुशाल टंडन। बिग बॉस के दौरान कुशाल टंडन भी अपना आपा खो चुके हैं। असल में वीजे एंडी ने शो के दौरान कुशाल की गर्लफ्रेंड रही गोहर खान को लेकर कुछ कमेंट कर दिया था जो कुशाल को ना गवार गुजरा और दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद मेकर्स ने कुशाल को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नंबर दो, पुनीत इस्सर। महाभारत में दुर्योधन बने पुनीत इस्सर भी बिग बॉस में हिस्सा ले चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक टास्क के दौरान गुस्से से तिल मिलाए पुनीत ने साथी कंटेस्टेंट आर्य बब्बर पर जोर आजमाइश की कोशिश की थी जिसके बाद उन्हें शो से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद पुनीत को वापस से बिग बॉस में एंट्री भी मिल गई थी। नंबर तीन, अली कुली मिर्जा। बिग बॉस कंटेस्टेंट अली कुली ने साथी कंटेस्टेंट सोनाली राउत को शो में थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद अली ने सोनाली से माफ़ी मांगने की कोशिश की थी लेकिन एक्ट्रेस ने माफ़ी देने से मना कर दिया था। इसके बाद अली ने वीकेंड के वार से पहले ही चोरी छुपे घर से भागने की कोशिश की जिस बात से नाराज होकर मेकर्स ने उन्हें शो से ही निकाल दिया था। नंबर चार, एजाज खान। बिग बॉस 8 के कंटेस्टेंट एजाज खान ने शो के दौरान एक मतरबा ऊंची ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया था। एजाज की इस हरकत पर एक अन्य कंटेस्टेंट अली कुली मिर्जा ने आपत्ति जताई और नतीजा ये हुआ कि दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। एजाज के इस गुस्सेल रवैये को देखते हुए मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर कर दिया था।